यशोमती मैया के नंदलाल। लल्ला दूध पी रहो है, सब ठीक है, लल्ला स्वस्थ है। मैया मां सृष्टि के साथ एकाकार हो रही है। क्या हो गया भाभी को? यशोदा मैया की अंतर ज्योति प्रकृति के मूल प्रकाश के साथ मिल रही है। उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है, परंतु आप ये नहीं चाहते थे कि मैया या किसी और को आपके दिव्यता के विषय में पता चले। आप सही कह रही हैं देवी,
परंतु बालक नीलमणि को तो पता ही नहीं है कि उसके कारण क्या हो रहा है। वो ये सब जानबूझकर नहीं कर रहा है, किंतु अभी उसे अपनी दिव्यता को छुपाना नहीं आता। मेरे अवतार को दूध पिलाने के इस सामान्य कार्य ने ही उनके सभी दोषों से उन्हें विहीन कर दिया है। वो मोक्ष प्राप्त करने की स्थिति में आ गई है। कुछ कीजिए प्रभु, ऐसा ना हो कि आपके मानव जीवन की अद्भुत कथा प्रारंभ होने से पहले ही समाप्त हो जाए। आपके अवतार लेने का सर्व प्रमुख उद्देश्य व्यर्थ हो जाएगा प्रभु। समय बीता जा रहा है प्रभु, योग माया ही आप सहायता कर सकती है। उनका आवाहन कीजिए, कुछ कीजिए। प्रभु तो स्वयं ही चले गए, इतना महत्वपूर्ण है उनके लिए माँ की ममता को अनुभव करने का ये अवसर कि छोटे से छोटे संकट को भी पाँव का कंटक नहीं बनने देना चाहते हैं। जो देखा है भूल जाइए, जहाँ थे वहीं वापस चले जाइए। समय कम है, मैया यशोदा को अंतिम सत्य ज्ञात होने से पूर्व ही इन सभी की स्मृति बदलनी होगी। दिन में ही नींद आ गई। मुझे भी जाने कैसे झपकी सी आ गई। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगो। काल कभी किसी के लिए नहीं रुकता, परंतु आज आपने काल की गति को ना केवल रोक दिया बल्कि पलट भी दिया। प्रभु, ये अभूतपूर्व है। जो असंभव को संभव कर दे वही तो है माँ की ममता। तुला के एक पल्ले में संपूर्ण ब्रह्मांड रख दीजिए और दूसरे में रखिए केवल ममता, फिर भी दूसरा पल्ला ही भारी होगा। काल इस तुलना में सदैव हारेगा देवी। यदि युद्ध माँ की ममता से होगा
तो कभी ना पीछे लौटने वाले कालचक्र को भी अपने पैर पीछे खींचने ही होंगे। अब ये अद्भुत झांकी किसी को याद नहीं रहेगी और मेरी दिव्यता मैया के आंचल में छुप जाएगी। मैं यही हूँ, मुझे तो अपने पुत्र को दूध पिलाने जाना था। जे ऐसे क्या देख रहे हो सबके साथ? मेरे लल्ला को फिर से दृष्टि लगानो है? अरे ग्रामवासी बाहर कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, लल्ला को दर्शन के लिए बाहर ले जानो होगो। ना ना ऐसे ना नंजी, पहले लल्ला को नहलाना पड़ेगो। अभी तो शुद्ध किया था लल्ला को, अभी फिर से नहलानो है? ना ना मेरा लल्ला अभी बहुत कोमल है। अबे और समय लगेगा, ऐसे लग रहा है जैसे नारायण जी के दर्शन के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। नारायण के दर्शन दुर्लभ ही होते हैं बोला। बोला सही कह रहा है। यशोदा चिंता ना करो, रोहिणी जी है ना, अनुभव है उन्हें, और फिर बाकी ये गोपियां भी तो हैं तुम्हारी सहायता के लिए। सभी गोकुलवासी सवेरे से हमारे लल्ला की एक झलक पाना चाहते। अब तुम ही कहो उन सबसे क्या कहूं मैं, और तुम्हारे रामू सबला सभी गाय बछड़े वो भी तो कितने आतुर हैं, जैसे तैसे करके उनको गौशाला भेजो है ताकि वो भोजन कर ले। सहायक उन्हें नहला दुलाकर लाते ही होंगे, तुम भी शीघ्र नीलमणि को नहला दो। तो तैयार है लल्ला? सच कहूं तो मैं तो ना हूं। अरे मैया, बड़ी से बड़ी महाप्रलय का सामना किया है तुम्हारे नीलमणि ने। हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, मधु कैटब, ना जाने कितने राक्षसों को धराशायी किया है मैंने। मैं भला साधारण से स्नान से क्यों डरूंगा? चलो। चलो चलो शीघ्रता करो जल्दी, यशोदा जी आती होगी लल्ला को लेके। यशोदा जी लल्ला के लिए पानी गुंदना करवा दियो है। अजीत जी उपकरण की व्यवस्था भी हो गयो है। और जे रहा आपका अंगोछा नहाने के बाद ना लल्ला का तन पोछने के लिए। रोहिणी जीजी कहाँ है? वो अपने बालक को दूध पिलाने गई है, उसे सुला के आती होंगी। अरे आप चिंता काहे कर रही हो भाभी, मैं हूँ ना आपकी सहायता के लिए। कल तक तो स्वयं अंगूठा चूसती थी, बालक को नहलाना कैसे आ गया तुझे? जशोदा जी मैं बताती हूँ लल्ला को कैसे नहलाना है। सुलक्षणा चाची मुझे पता है, मैंने मैया को देखा है अपने भाई को नहलाते हुए। देखने में और स्वयं करने में अंतर होता है लाली। जशोदा जी आप ध्यान मत दो, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले लल्ला को तेल लगाकर थोड़ी मालिश करनी होगी। मालिश? किंतु मेरा लल्ला तो कितना छोटा है, अभी इसकी अस्थियां भी कितनी कोमल है। इसीलिए तो मालिश की जाती है जीजी, ताकि बालक शक्तिशाली बने। अरे आप मेरी सुनो, इधर उधर ध्यान दोगी तो हड़बड़ा जाओगी कि करना क्या है क्या नहीं। आप बैठो यहाँ पे। हाँ, और अभी पैर सीधे करो। हाँ, अब लल्ला को पैरों पर लिटा दो। चलना ऐसे नहीं, उल्टा उल्टा। अरे हाँ ऐसे ही होता है, आप मेरी बात सुनो। उल्टा क्यों? देखो सुलक्षणा चाची, मेरे साथ राल ठानोगी तो आगे चल के बहुत भारी पड़ेगा। हाँ नहीं तो। और तुम सब लोग खड़े क्या हो, जाओ जाकर तेल लेकर आओ। ना ना मेरे लल्ला को सांस लेने में समस्या होगी, मैं इसे उल्टा ना लिटाऊंगी। एक बार रोहिणी चीची को आ जाने दो, फिर तय करेंगे क्या करना है। ये हुई ना बात, बस आप ही मेरी हितैषी हो मैया, इन्हें इनके षड्यंत्र में सफल मत होने देना। किंतु चीची उनको आने में समय लग जाएगा और बाहर सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। अरे जशोदा जी आप मेरी बात पर विश्वास करो, ऐसा ही होता है।
हे नारायण आप ही सहायता करो। प्रभु अब क्या नहलाने भी आप ही जाएंगे? मैया घबरा रही थी इसीलिए मैं, किंतु मैया भी व्यर्थ ही चिंता कर रही है। मैंने कठिन से कठिन परिस्थितियों को संभाला है और देखो मैया साधारण सी मालिश और स्नान को लेकर चिंतित है। ये कार्य सत्य ही इतना कठिन होता है क्या? हमें शीघ्रता करनी होगी, बाहर सब बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप नीलमणि को मुझे दे दो, चाची जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। भाभी आप नीलमणि को मुझे दे दीजिए, मैं संभालूंगी। तू भी बच्ची है कस्तूरी, पहले पल्लू संभालना सीख लो फिर बच्चा संभालने की बात करियो। मुझे तो अनुभव है, मुझे दे दीजिए मैं सब कर दूंगी। रोहिणी जी इतनी देर क्यों लग रही है आपको? ओ चाचियों मौसियों बस करो, आप सब मेरी मैया को डरा रहे हो। नारायण आप सहायता क्यों ना कर रहे, अब आप ही संभालो। मैया को हमारी आवश्यकता है, कृपया आप जाकर सहायता कीजिए। मैंने तो सदैव आपके चरणों की सेवा की है प्रभु, मैं कैसे आपको अपने पावों पर लेटा सकती हूं? योग माया इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है और वो तो आपकी बहन है, बहन तो सदैव माँ की समान ही होती है ना? आप उचित कह रही हैं देवी, अब योग माया ही मेरी सहायता कर सकती है। देवी योग माया, देवी योग माया, देवी योग माया। किंतु मुझे अनुभव है जानकी, मैं कर लूंगी। अरे सो तो है, लेकिन नवजात बालक के लिए हाथ कोमलता से होनी चाहिए। आपका कोमल स्वभाव पूरे गांव को पता है चाची। कहना क्या चाहती है तू, सच सच बोल। नहीं नहीं बोल ना, बोल। बस करो सबके सब, करो सबके सब। सब यशोदा की सहायता करने आए हो या आपस में झगड़ा करने? मैंने आपकी कोख से जन्म तो लिया था माँ, पर आपका साथ आपका सानिध्य नहीं मिल पाया था मुझे, वही लेने आई हूं। चलो हटो। चिंता मत करो मैं आ गई हूं यशोदा मैया। अरे ये तो आती ही अधिकार दिखाने लगी। बहन योग माया
बिल्कुल सही समय पर आई हो। इन सब ने तो मैया को परेशान ही कर दिया था। लो लल्ला को मुझे दो, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी। न जान न पहचान, पूरी तरह अनजान। जशोदा जी, इन्हें मत दो अपनी संतान। जीजी, ये बात तो सही है, हम में से कोई भी इन्हें पहचानता नहीं है। पहचानती है यशोदा मैया मुझे। पहचानती हो ना? विश्वास नहीं है मुझ पर? ना ना, जशोदा भाभी ना देने वाली लल्ला को। लल्ला के संबंध में जो हम पर विश्वास ना कर पा रही माई, फिर तुम पर कैसे करेगी? जाओ, जाकर बता दो सबको कि लल्ला सबसे मिलने के लिए तैयार हो रहा है। मैं जाऊंगी सबसे पहले। चल जानकी, मैं भी। लल्ला आप सबसे मिलने के लिए तैयार हो रहे हो?